मेरा जो टॉपिक है वो है महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स अवेयरनेस। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं का आप कैसे लाभ उठा रहे हैं या लाभ उठाएंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि महिला सशक्तिकरण है क्या, कैसे महिलाएं सशक्त बनती हैं। तो महिलाओं के अंदर वो पावर है, वो क्षमता है जो अपने परिवार को सशक्त बनाती है, साथ में वो अपने समाज को सशक्त बनाती है, और समाज को सशक्त बनाने के साथ साथ वो पूरे राष्ट्र, पूरे देश को सशक्त बनाती है। लेकिन क्या हम आज अपनी जो हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पहचान करके आगे बढ़ रहे हैं? तो केवल मेरा मोटिव यही है कि जो हमारे युवा बच्चे हैं, जैसे कि मेरे सामने जो बच्चियां बैठी हैं, सारी युवा पीढ़ी की है, और आगे आने वाले टाइम में उन्हें ही अपना देश आगे बढ़ाना है। महिला सशक्तिकरण दो शब्दों से बना है, महिला। महिला में जो पहला अक्षर है मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। तो वो पृथ्वी जिस पर सभी निवास करते हैं, पूरा जग का निर्माण होता है, जीव जंतु से लेकर के पेड़ पौधे और ह्यूमन बीइंग सभी रहते हैं। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी सशक्त है आप, लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं उठाते हैं। वो शाख है ना फूल गर तितलियां ना हो, वो शाख है ना फूल गर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां ना हो। हर घर बेटी होती है, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां पर फूलों से बेटियों का स्वागत किया जाता है, और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां पर रोने बैठ जाते हैं लोग कि अरे हमारे घर बेटी हुई है। तो वो घर ही घर नहीं है जहां पर बेटियां ना हो, ये इस सेंटेंस आपको बताना चाहती हूँ कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वो शक्ति है जिनसे आप पैदा हुए हैं। एक पुरुष वर्ग को थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पुरुष वर्ग में कमी है, कमी महिलाओं में ही है। एक घर में जो बड़ी बूढ़ी माँ होती है, बड़ा कोई होता है, तो वो कहता है हमारे घर बेटा हो। तो बेटा बेटा क्यों मांगती है? क्या बेटियां आगे अपने घर को नहीं बढ़ा सकती, अपने पापा का नाम रोशन नहीं कर सकती? एक से एक महिलाएं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कितनी महिलाएं हमारे देश को आगे ले जा रही हैं। तो वैसे ही हम भी तो अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। लोगों को जगाने के लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से उसे डेवलप करने के लिए जो महिलाएं हैं वो बहुत आगे काम कर रही हैं और बढ़ा भी रही हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, मैं एक समाज के लिए कह रही हूँ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, चाहे कितनी भी पूजा कर लो उनकी, 9 दिन का उपवास भी रख लो, लेकिन अगर नारियों की पूजा नहीं की, नारियों का सम्मान नहीं किया, तो कुछ नहीं किया। तो इसीलिए नारी का सम्मान होना बहुत जरूरी है, नारी को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। जब हम नारी का सम्मान करना सीखेंगे, नारी का सम्मान नारी भी करे, यही नहीं मैं पुरुषों के लिए बोल रही हूँ, नारी का सम्मान नारी भी करे, तभी बात आगे बढ़ेगी। पूरी पृथ्वी जिस पर निवास करती है वो धरा, वो पृथ्वी, मैंने आपसे बताया कि मही से उत्पन्न हुई है, मही ही महिला बनाती है, और महिला कौन? हम है, युवा पीढ़ी है जो आगे जाकर के महिला बनेगी। तो आपको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी शिक्षा। यदि आप शिक्षित होते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षा भी दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव वे में ले जाती है और एक निगेटिव वे में ले जाती है। यदि हम अपने पॉजिटिव वे में पहुंचते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तभी हम अपने देश का नाम रोशन करते हैं और अपने पेरेंट्स का। मैं एक विद्यालय में, मेरे विद्यालय में 1600 बच्चियां हैं, और 1600 बच्चियों को मैं डेली मोटिवेट करती हूँ, और हर बच्ची मुझे जानती है कि मैं क्या कहती हूँ, गिव योर 100% इन एवरी फील्ड। अगर आप 100% देती हैं तो आपका विकास निश्चित है। कोई भी प्लेसमेंट हो, अपना लक्ष्य बनाए, लक्ष्य पर चलते रहे, और जैसे ही आपको लक्ष्य मिलता है उसमें भी अपना 100% देना है। ऐसा नहीं है कि आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया, अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत
नहीं है। जिस लक्ष्य को आप पा इतनी मुश्किल से पाए हैं उसको बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है। तो इसीलिए एक कहा गया है कि बालिका अहम बालिका नवयुग जनिता, बालिका अहम बालिका नवयुग जनिता अहम बालिका, न हम बला दुर्बला आदि शक्ति अहम्बिका। अर्थात मैं एक लड़की हूँ, आधुनिक समय की लड़की हूँ, मैं कमजोर नहीं, शक्तिहीन नहीं, मैं अंबिका हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ। आपने देखा होगा नवरात्र में हम लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, 9 दिनों में हम आदि शक्ति की पूजा करते हैं। वो पूजा करते करते हम लोग ये कहते हैं कि हम में बहुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का वास्तव में हम कितना इस्तेमाल करते हैं ये हमें ही पता है। आज घर में घरेलू हिंसा होती रहती है बच्चियों के साथ और हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। हमारी ही बेटियां होती हैं और हम उन्हें कहते हैं कि नहीं बेटा बताना नहीं, समाज में आपकी बदनामी होगी और हमारे परिवार की बदनामी होगी। क्या ये सही है? नहीं सही है बेटा। अगर आपको कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको समाज में अच्छी फील नहीं आ रही है, आपको कोई